अस्सलाम वालेकुम। आज हम धनिया अरबी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने ये अरबियाँ लिए। तो हमारे ये 1 किलो अरबियाँ हैं, हमने इन्हें हल्का सा नमक डाल के उबाल लिया। ये दो आपको दिखाने के लिए छोड़ दी थी हमने। ये देखिए, इनका छिलका आराम से उतर जाता है, ये आलूओं की तरह जैसे आलू का उतरता है। ये देखिए, तो हमने इसमें हल्का सा खाली नमक डाला था और कुछ नहीं डाला है, वही हमने छील के रख लिए। हम तेल डाल लेते हैं पहले, इतने हमारा तेल गरम होगा तो हम इसमें 200 ग्राम के करीब तेल हम इसमें गरम करेंगे और फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, 200 ग्राम की हमारी ये पली आराम से बाजार में मिल जाती है नाप के लिए। ये देखिए, अरबी है सब हमने ले लिए, तो इसमें थोड़ी सी हम 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। इसी देर हमें रखना है मैरिनेट करके, जब तक तेल हमारा गर्म हो रही है तब तक थोड़ा सा जीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून जो हम मसाले में डालेंगे ग्रेवी में खुशबू के लिए। बहुत ही अच्छा रहता है, ये खुशबू अच्छी आती है इसकी और टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो हम लाल मिर्चों का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो हमें हरे धनिया की बनानी है, तो इसी वजह से गरम मसाला 1/2 टीस्पून। इसी के साथ साथ 1 टीस्पून हम नींबू डाल देंगे। आपके पास नींबू हो तो आप आधा डाल दें, आधा ग्रेवी में डालें। आधा डाल दिया, आधा ग्रेवी में डालेंगे। तो इसे अच्छे से हम मैरिनेट कर देते हैं और रख देते हैं एक तरफ, जब तक हमारा तेल गरम होगा। तो सरसों का तेल है, थोड़ा टाइम लग जाता है गरम होने में। देखिए, तेल हमारा गरम हो गया, अच्छे से धुआं आ रही है। तो सरसों का तेल जो है कच्ची घनी का हमारा, तो इसमें झड़प ज़्यादा होती है, तो अच्छे से गरम करना चाहिए। तो इसमें से हम तेल निकाल देंगे अलग, थोड़ा ही लेंगे हम। ये देखिए, हमने जो है ये वाला 1 चम्मच के करीब तेल छोड़ दिया। ये नॉन स्टिक चम्मच है, इसमें थोड़ा ही तेल आता है, 1 से 1.5 चम्मच होगा, तो ये छोड़ दिया। तो हम इसमें अरबियां फ्राई करेंगे पहले। अभी हम फ्राई करके और निकाल लेंगे, तेज आंच पे ही हमें फ्राई करनी है। देखिए, हमारी अरबियों में जो है गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया, आप देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और फिर दिखाते हैं आपको। देखिए, हमने सब अरबियां जो है बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हैं। तो हम आगे का दिखाते हैं। चम्मच तेल और डाल लेते हैं, ज्यादा तेल नहीं चाहिए हमें, 1 चम्मच तेल इसमें होगा, 1 चम्मच से थोड़ा कम। तो इसी में ही हम डाल लेते हैं 1 चम्मच, ये नॉन स्टिक चम्मच, बस ज़्यादा तेल नहीं जाएगा इसमें। तो इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, वाइट जीरा। एक चौथाई टीस्पून हींग डाल देंगे, हींग का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जीरा हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया, आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ प्याज डाल देंगे, ये हमने 3 प्याज ली थी, महीन काट ली है बिल्कुल हाथ से, ये आप देख सकते हैं। हमने टमाटर का यूज नहीं किया क्योंकि हमें ये धनिया भी बनानी है, तो इसीलिए हरा धनिया अरबी शायद आपने खाई नहीं हो पहले कभी, तो आप जरूर ट्राई करके देखिए हमारी तरह, जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह से। तो रेसिपी जरूर शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने हमारी तरह बनाई है बिल्कुल या थोड़ी सी अलग है, तो हमें भी आप सबसे कुछ सीखने को मिलेगा नया, तो आप जरूर बताइएगा। तो इसे हम हल्का गोल्डन होने तक इसे भून लेते हैं। देखिए, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं करना है।
तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे या अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं इसको रोकने के लिए, नहीं तो ये गोल्डन हो जाएगा और हमें गोल्डन नहीं चाहिए। तो हम इसमें थोड़ा सा एक टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हमने पानी समेत ही डाल दिया ताकि ये रुक जाए पकने से। हम अदरक लहसुन जो है पीस के रखते हैं, आप ताज़ा पीस के डालें तो ताज़ा डाल सकते हैं या काट के महीन कूट के जैसे आपकी मर्जी है आप वैसे डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें मसाले डाल देते हैं। देखिए 7 से 8 हमने हरी मिर्चें ली, ये डाल देंगे साबुत। तो हमने इसमें कट लगा रखा है बीच में, ये देखिए इसमें मसाला अच्छे से चला जाएगा, नमक मिर्च जो है अच्छे से। तो 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून क्योंकि हमने अरबियों में भी नमक डाला हुआ था उबालते समय। आधा टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, हमने अरबियों में भी डाला था जीरा इसीलिए। फिर मिर्चा करने के लिए हमारे पास चटनी है हरी, हरे धनिए और पुदीने की, तो हम उसे डाल देंगे 2 टीस्पून। तो इसी से ही मिर्चे होंगी इसमें अरबियों में। ये हमारे चैनल पर डली हुई है, अगर जो आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम हसबे जायका और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमारी रेसिपी डली हुई है। हमारी आईडी है फातिमा खान खान से किचन के नाम से, तो आप वहाँ जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कि कोई फेवरेट रेसिपी हो तो आप हमें ज़रूर शेयर करिए ताकि हम आपके नाम से अपने चैनल पे डाल सकें, और लिखकर भेजें रेसिपी जो है, लिखकर भेजें इंस्टाग्राम पे या आप यूट्यूब पे जिस पर आपका दिल करे उस पर, तो हम आपके नाम से वो शेयर करेंगे अपने चैनल पे। वीडियो का लिंक सेंड ना करें, लिख के भेजें पूरी रेसिपी। ये बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मसालों की, आप देख सकते हैं। अगर चाहे आप मिर्चे नमक कम खाते हो तो आप कम यूज करें, बस तरीका ये होगा। आप जरूर ट्राई करके देखिए हमारे तरीके से, जरूर बना के देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें हम पानी डाल देते हैं जो प्याज है अच्छे से पक जाएगी और नरम हो जाएगी, क्योंकि हमने टमाटर का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, नींबू का यूज करेंगे। टमाटर का यूज करने से जो एक से सारी रेसिपी एक सी हो जाएंगी टमाटर डाल के, तो वो अलग रेसिपी दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हमने टमाटर का यूज नहीं किया बिल्कुल भी, और हमने धनिया लिया है इसमें। देखिए हमारी ग्रेवी जो अच्छे से पक गई है आप देख सकते हैं। तो हमने इसमें पानी डाल दिया था, 1 गिलास पानी डाल दिया था या 1 कप भी कह सकते हैं, और उसे अच्छे से हमने पका लिया। देखिए थोड़ा सा भी है इसमें पानी, बिल्कुल खुशक नहीं है। इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। इसमें हम एक नींबू का रस डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं, आधा हमने अरबियों में डाला था। मसाला हमारा अच्छे से भुनने लगा है, थोड़ा सा लिक्विड है तो हम अरबियां डाल देते हैं क्योंकि अरबियों में भी अच्छे से मसाला चला जाए। और ये जो इसकी हल्दी है ये भी हम इसी में ही सफा कर देंगे। देखिए अरबियां डाल दी हमने, इसे अच्छे से हल्के हाथ से मिला देते हैं और इसे हम जब तक पकाएंगे तब तक इसमें ये ऑयल उकर ना आ जाए अरबियों में, तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए हमने 1 टेबल स्पून सूखी हुई मेथी ले लिए ड्राई, आपके पास ताजी हो तो आप ताजी डालें, ड्राई हो तो ड्राई डालें। तो ये डाल देंगे, इससे और भी अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही बढ़िया महक आएगी।
से मिला देते हैं हल्के हाथ से। धनिया जो है बिल्कुल आखिर में डालें, नहीं तो जो है कलर खराब हो जाएगा और अरबियां चीनी लगेंगी, इसीलिए। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, तो हम 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देते हैं मीडियम आंच पे। ऑयल जो है सारा ऊपर आ जाएगा, 5 मिनट के बाद दिखाते हैं। देखिए हमारे अरबियां जो है अच्छे से पक गई हैं, ऑयल आ गया, पानी बिल्कुल खुशक हो गया इसका। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो हरा धनिया जो है हमने ये इसकी टहनियां समेत लिए, आप देख सकते हैं ये धनिया की, तो इस समेत ही लिया है हमने। तो ये हमने 200 ग्राम हरा धनिया लिया है, 200 ग्राम पूरा ढक रख लेते हैं। तो ये हरा धनिया अरबी है, तो इसमें अरबी है जो धनिया जो है ज्यादा जाएगा, तो इसीलिए हमने 200 ग्राम पूरा धनिया लिया है। इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। अभी तो हमने मिक्स भी नहीं किया है, ये देखिए। आप इसे नान के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, या आप कहीं घूमने जाएं तो बना के लेके जा सकते हैं, ट्रेन में, सफर में, कहीं भी। तो ये खराब नहीं होने वाली है बिल्कुल भी, एकदम भुनी हुई पकती है ये, मसालेदार मजे की। ये देखिए इतनी बेहतरीन सी लग रही है। देखिए धनिया जो है हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, इसे ज्यादा पकाना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए ऐसी छोड़ना है इसे, और फिर दिखाते हैं आपको। देखिए 2 मिनट हो गए इसे रखे हुए, तो हमने चूल्हे से उतार लिया, अब इसे प्लेट में निकाल के दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाह, देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, और ये खाने में भी इतना ही बेहतरीन लगेगा। आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखिए हमारी धनिया अरबी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लग रही है देखने में भी, और ये खाने में भी इतनी ही अच्छी लगेगी। आप जरूर ट्राई करके देखिए, आपने शायद ऐसी खाई ना हो, पहली बार आपको हम ये रेसिपी दे रहे हैं। अगरचे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। अगरचे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। शेयर भी ज़रूर करिए, हम ज़्यादातर अपनी रेसिपी लाते हैं तो इसीलिए हम शेयर करते हैं आप सबके लिए भी, कि आप सब भी अच्छा बनाएं और इन्जॉय करें और सबको खुश रखें खिला के। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह।